मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था, मैं अपने काम पे भी नहीं जा पा रहा था उसकी वजह से। हर कोई मुझे चोर पटवारी गंजा पता नहीं कुत्ता गालियाँ औरतें गालियाँ दे के जा रही थी गाड़ियों में से उतर उतर के गालियाँ। जब मैं इधर घर आया वापसी घर आया तो यहाँ पे काम पे स्टार्ट हुआ तो लोगों ने एतराज़ करने भाई आप कुत्ते से मिलके हैं ये करके वो करते हैं। मुझे माँ बहन की गालियाँ देखे नालत देखे उतर के गाड़ियों में से नालते धूके फेंक के जा रहे थे। आज वही लोग मुझसे मिलने मुझे बड़ी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का करम है। कैसा महसूस कर रहे हैं लोगों को इतना खुश आज देख के? लोगों क्या मेरी भी बड़ी खुशी हुई है कि अब मैं यहाँ पे तो वहाँ से जब मैं इधर आया सही है जब पीटीआई में गया वहाँ से यहाँ पे बड़ी इज्जत थी। फिर मैं इधर आया हूँ आज भी माशाल्लाह लोग मेरे पास चल के दौड़ते हुए आ रहे हैं जैसे पहले मेरे को नालते और गालियाँ लोग दे के जा रहे थे वही लोग मेरे पास आज वापसी आ रहे हैं मिलने के लिए। बड़ी खुशी हो रही है जी। नहीं नहीं अभी यहाँ पे गले मिले लोगों ने डांस भी किया है मेरे साथ। वो कह रहे हैं यार आइंदा के बाद कोई मसला हो कोई हो हम आपके साथ खड़े हैं इस्लामाबाद में आपके साथ हैं। ये भाई भी कह रहा मैं भी साथ उसका भी बता दें बहुत खुश हैं। क्या देखे ना एक चीज़ चली गई तो जान ही छोटी। मैं कहता हूँ मेरी वो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था, मैं अपने काम पे भी नहीं जा पा रहा था उसकी वजह से। हर कोई मुझे चोर पटवारी गंजा पता नहीं कुत्ता गालियाँ औरतें गालियाँ दे के जा रही थी गाड़ियों में से उतर उतर के गालियाँ। जब से मैं पीटीआई के जलसे में होके आया हूँ वो सारा बंद कर दिया है, अभी लोग खुश हो गए। फिर मैं इसलिए आया हूँ कि और दूसरी बात ये कि मुझे एक चीज़ मैंने गौर की कभी मैंने सियासत में नहीं घुसा और इसकी बड़ी ये अच्छी बात थी इमरान खान की। देखे ना वो अकेला खड़ा है, वो अकेला है उसके साथ कोई नहीं है। वो है और क्या कहते हैं वो दूसरी वो हैं उनके साथ कितनी पार्टियां हैं, एक पार्टी चार पांच पार्टियां खड़े और ये अपने और अपने बलबूते पे खड़ा है, किसी के बलबूते पे नहीं खड़ा। मैं कहता हूँ ना जब पीटीआई वाले सबसे पहले हैं क्यों के मुझे पूरा इस्लामाबाद पीटीआई का आपको पता है माशाल्लाह पूरा इस्लामाबाद पीटीआई का है। वो नहीं है कि खाली पूरा पीटीआई का है। जहाँ तक मेरा काम चलता है देखा लोग मुझे बड़ी खुशी हो रही है आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। काम भी अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। हमसे कहा कि भाई आपको जो इस्लाम पंजाब में कोई तंग करे तो मुझे बताना कोई मसला हो तो हल कर देंगे और मुझे कुछ पैसे भी दिए थे जब मैं तो 3 लाख रुपए दिए थे। जब मैं इधर घर आया वापसी घर आया तो यहाँ पे काम पे स्टार्ट हुआ तो लोगों ने एतराज़ करने भाई आप कुत्ते से मिलके हैं ये करके वो करते हैं। मुझे माँ बहन की गालियाँ देखे नालत देखे उतर के गाड़ियों में से नालते धूके फेंक के जा रहे थे आज वही लोग मुझसे मिलने मुझे बड़ी। तो यार देखे ना अभी मैं किसी मैं कहता हूँ जो भी हो हमने अपना घर चलाना है ठीक है मुल्क में आता जाता है हम उसके लिए खड़े हैं तो हमारे साथ बरकत बरकत इसलिए आई है कि मैं गलत पार्टी में था लोगों ने इतराज़ किया सही पार्टी में सारे पीटीआई के लोग पीटीआई के नहीं उनके भी पार्टी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ज्यादा लोग ही पीटीआई को सपोर्ट करते हैं इसलिए भी आपको प्यार ज्यादा। मेरी वालदा जो है ना वो भी पहले हम पीपी को वोट डालते थे अभी पीपी को नहीं डालते वो पीटीआई को डालते। अगर उसको पता चला कि ये फिर नून लीग में गया है कभी कौन वालदा को आप फिर तो नहीं जो इतने लोगों ने गालियाँ दिए मेरे माँ बाप ने इतनी गालियाँ नहीं इतने लोगों ने दिए। मैं घर पे जब गया ना मेरे घर पड़ोसी जो थे ना उन लोगों ने भी गालियाँ दी कह रहा जा चोर से मिल के आया। मैं पहले फनकारियाँ करता था मैं मशहूर हो गया ये मशहूर हो गया ये हो गया तो उनको आज वहाँ पे वापसी में क्या बड़ी एतराज़ किया लोगों ने तो आज फिर मैं इनके साथ मिल रहा हूँ तो फिर मैं खान साहब से मिलना चाहेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। चलिए मैसेज दे दें खान साहब इमरान खान साहब जिस तरह मैं पहले भी मीडिया में कह चुका हूँ शायद आप मसरूफ़ थे जलसे के मैं तो आपसे नहीं मुलाकात हो सकी इंशाल्लाह आप जब भी बुलाएंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। पहले भी मैंने बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ मैंने पब्लिक न्यूज़ पता नहीं कितने सारे न्यूज़ों में भी बता दिया है पर आप तक आवाज़ तो पहुँच गई है पर आपके पास टाइम नहीं है। आप किसी दिन बनीगाला के बाहर भी जाएं वहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करें और मैसेज अंदर भेजें तो शायद आपकी मुलाकात हो जाए। नहीं मैं बनीगाला गया हूँ बनीगाला गया था बाहर खड़ा हुआ पर वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है आपको पता है खुद ही तो इस वजह से मुझे बाहर खड़ा नहीं हुआ है। चलें जी हम कोशिश करेंगे खान साहब तक आपका मैसेज पहुँच जाए। कौम को क्या मैसेज देंगे? कौम को यही देना चाहता हूँ आप खुद दिल से सोचें कौन अच्छा है और कौन कोई कौन सही है और कौन गलत है। सही के साथ सही अकेला होता है ये बात याद रखना गलत वो होते हैं जिनके साथ सारे खड़े हैं। सही अभी देखो मैं ना मैंने अपना काम स्टार्ट किया मैं अकेला किया अगर मैं सही था ना तो आज मेरे देखो मेरे को देख के हर चौक पे हर जगह अगर मैं गलत